जाना, मोरल ऑफ द स्टोरी, जिंदगी में कभी भी उम्मीद मत छोड़ना। सिस्ट्रोलॉजी के व्लॉग देखने वाले लड़के इस तरह से दिखते हैं। दूसरी कंट्री के लोग बोलते हैं डॉक्टर, और पाकिस्तानी बोलते हैं डॉक साहब। ना पाकिस्तान में रहने के पैसे हैं और ना ही पाकिस्तान छोड़ के जाने के। पैसों के अलावा किसी के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता। हर बंदा ना गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना चाहता है, ना गवर्नमेंट अस्पताल में इलाज करना चाहता है, ना गवर्नमेंट बस में सफर करना चाहता है, तो फिर गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहता है? अगर आपका पड़ोसी आपके पानी में रुकावट डाले या आपके घरेलू मामला में दखल अंदाजी करे तो उसकी लड़की उठा लो। अल्लामा शुएब मलिक। दूल्हे का जनाजा 10 बजे अदा किया जाएगा, लिहाजा शिरकत फरमा कर सवाब हासिल करें। अर्ज किया है, न सर्दी में चैन न गर्मी में चैन, अगर कोई आप पे शक करे तो उसका शक दूर मत करे, बल्कि मजीद पक्का कर दे, इंच दे फिर इंच सही। कुछ लोग जिंदगी में पीछे रह जाते हैं और उनका पेट आगे निकल जाता है। मैंने दादी से कहा, दादी आपके जमाने में 10-10 बच्चे क्यों होते थे? दादी ने कहा, हम सारी सारी रात फेसबुक या व्हाट्सएप पर वक्त बर्बाद नहीं करते थे। बाबा जी कहते हैं, पुत्र जिंदगी में हमेशा दो बातें याद रखना, नंबर एक कभी किसी को पूरी बात मत बताना, नंबर दो एक ऐसे शख्स की तलाश है गालिब जो सर्दी में मेरी जगह नहा लिया करे। तो ये है कौम की दो अजीम बेटियां, मलाला और बिलाला। चीन वाले कहते हैं कि बच्चा एक ही अच्छा, यूरोप वाले कहते हैं बच्चे दो ही अच्छे, इंडिया वाले कहते हैं बच्चे तीन या चार ही अच्छे, लेकिन पाकिस्तान वाले है जज्बा जुनू तो हिम्मत नहार। यार बीवी ने कहा था कि तुम पप्पू को पकड़ो, मैं 5 मिनट में तैयार होकर आई। बॉस ने मुझे मैसेज किया कि ऑफिस जल्दी आओ, बहुत अर्जेंट है। मैंने कहा सॉरी बॉस, मैं अस्पताल में दाखिल हूँ। तो बॉस ने कहा मुझे तुम पे यकीन नहीं है, प्रूफ भेज दो। मैंने उन्हें ये प्रूफ भेज दिया, पता नहीं फिर मुझे क्यों नौकरी से निकाल दिया उन्होंने। बीवी बोली, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जरा आप आटा तो गूंदे, लेकिन ध्यान रहे बिल्कुल मेरे जैसा गूंदना। शोहर ने आटा गूंदा और बीवी को दिखाकर बोला, ये देख लो बिल्कुल तुम्हारे जैसा गूंदा है ना। कह रही थी देख के डिलीट कर देना, मैंने तो देख कर ब्लॉक कर दिया। अर्ज किया है, तेरे जाने के बाद वक्त थम सा गया, बाद में पता चला कि घड़ी का सेल खत्म हो गया था। मोहब्बत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, मगर खाली बैंक बैलेंस नहीं।